S33 अर्निंग पर शेयर, जो आपके बड़े बड़े मुश्किल स्टैंडर्ड्स हैं ना, जिसमें आपके पास पुराने स्टैंडर्ड में से S12 है, राइट, S32 है, इसी तरह ये S33 भी ना उन्हीं मुश्किल स्टैंडर्ड्स के अंदर से, जो पुराने जो है ना मुश्किल स्टैंडर्ड्स, उनके अंदर से ना ये एक स्टैंडर्ड है। पहले ये बिल्कुल ना पहले तो F41 के सिलेबस में था ही नहीं, और ये पूरा टेस्ट होता था एक्सटेंसिवली एडवांस रिपोर्टिंग के अंदर, AFR के अंदर। अब इन्होंने क्या किया है, ICAP ने इसको AFR से रिमूव कर दिया, राइट, और पूरे का पूरा उठा के ना F41 के अंदर डाल दिया। तो उसका मतलब ये है कि जो आपका F41 का कोर्स है ना, उसके अंदर अगर मैं कहूँ तो सबसे मुश्किल जो स्टैंडर्ड है ना, जो पूरा एक कंप्लीट स्टैंडर्ड मुश्किल डाला हुआ है, वो ये APS का स्टैंडर्ड है। और इसके ऊपर से ना इसके अंदर से एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे सिनेरियोज इसमें शामिल होते हैं, और इसके अंदर से ना एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन बनता है, और ये तकरीबन आपके MSA 1 में भी ना ये टेस्ट होता है, ये फॉर्म टेस्ट होता है, और MSA 1 में भी ना एक्सटेंसिवली टेस्ट होता था। सर होता है एक ही चीज़ है, मतलब स्टैंडर्ड में और डिफरेंट स्टैंडर्ड मिक्स है इसमें या नहीं एक ही नहीं ये स्टैंडर्ड है एक नहीं जैसे। नहीं ये एक ही स्टैंडर्ड है, लेकिन इसकी टेस्टिंग बहुत एक्सटेंसिव है। ठीक राइट सर। है जी, अब इसका पढ़ते हैं स्कोप और शुरू करते हैं कहानी। अच्छा, स्कोप क्या है जी इसका? बड़ी आसान सी बात है, ये ना किसके ऊपर अप्लाई होता है जी? ये अप्लाई होता है लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। किसके ऊपर? लिस्टेड कंपनीज के। इसके ऊपर अप्लाई होता है जी, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। लिस्टेड कंपनीज कौन सी वो होती हैं जिनके जो स्टॉक होता है ना, वो किसके ऊपर लिस्टेड होता है, ट्रेड हो रहा होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। ये तकरीबन कुछ 650 कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका जो स्टॉक मार्केट के ऊपर ना उनके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, ये लिस्टेड कंपनीज हैं। इनका जो है ना इनके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। अब हम चलते हैं इसकी जो क्रक्स है ना, इसकी जो बेसिक्स है वो डिस्कस करते हैं। मिस्टर वेरा, जहां पे आपको समझ ना आई ना, आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा, मैं वहां से रिपीट कर दूंगा। ओके सर। अच्छा जी, अच्छा मैं आपसे कहूं कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सपोज करें 6 लाख रुपए, ठीक है, और उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो कितने हैं, सपोज करें 10,000, तो अगर पर शेयर में कहूँ कि एक शेयर ने कितने रुपए कमाए, तो वो कैसे निकाल सकते हैं जी? कैसे निकाल सकते हैं? टोटल सर शेयर डिवाइड डिवाइड करके, करके। टोटल को डिवाइड करके, सिंपल सी बात है, टोटल को डिवाइड करने, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आ जाएंगे आपके पास 60, ऐसे ही है, 60 आ जाएंगे, 60 पर शेयर। ये जो आपने निकाला है ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया है, ये क्या होती है? इसकी बेसिक्स क्या है जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी, ये ईपीएस की बेसिक्स है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, क्या बोलते हैं, ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये बात समझ आई आपको यहां तक? अच्छा, इसके अंदर ना ये फॉर्मूला भी जी मैंने सर। इनकम्प्लीट लिखा है, इसके अंदर ना एक और चीज भी, वो डिस्कस करने से पहले ना मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, मुझे 1 मिनट दे, मैं ये दरवाजा एक लॉक।
जी शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी हाँ शेयर्स क्या होते हैं बता सकते हैं जी? व्हाट इज शेयर कोई बता सकते हैं? नो आइडिया। सर जो कंपनी का शेयर कैपिटल होता है ना जी, ओनरशिप जो कंपनी की ओनरशिप जी, मिस बताएं क्या कह रही हैं? सर, अपना हिस्सा, हिस्से को अपना बोलते हैं हिस्से, ऐसा टोटल अगर उसकी ओनरशिप वही तो। बेसिकली ऐसा होता है ना कि आपको पता है ना इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है क्या चीज होती है जी? रेजिड्यू होता है, जब आप एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर देते हो जो पीछे बचता है उसको इक्विटी बोलते हैं। जी इक्विटी के हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़े हैं? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इसी तरह रिटेन रिजर्व्स, रिटेन उसके अलावा जी मिस अर्निंग रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवेल्यूएशन मिशन सर्विस। सरप्लस। बेहतरीन हो गया। ये जो ये सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, इसमें जो शेयर कैपिटल होता इसको ना आप किसके अंदर, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ते हो राइट? इसको किसके अंदर तोड़ते हैं आप? स्मॉल पीसेस के अंदर। उन पीसेस को क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ये बेसिकली हिस्से होते हैं, ब्लॉक्स बेसिकली, जो आप एक कंपनी के शेयर कैपिटल के जो ब्लॉक्स होते हैं ना, यूनिट्स जो होते हैं, जिस तरह हमने यूनिट ट्रस्ट में पढ़ा था ना टैक्स के अंदर, यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन, वो जो यूनिट्स होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। अच्छा ये इतना आसान नहीं होता, शेयर कैपिटल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जी। कौन कौन सी होती हैं जी मिस, ये पता है आपको क्या पूछा है शेयर कैपिटल की टाइप्स? सर? ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस इनमें शेयर, आगे बेहतरीन सब टाइप्स होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्ट बेहतरीन। और रिडम्शन के नॉन हवाले से इनकी दो कन्वर्ट टाइप्स होती हैं, एक होता है रिडीमेबल इरिडीमेबल। इरिडीमेबल और भी टाइप्स होती हैं, पता है और आपको? सर कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्जन के हिसाब से दो टाइप्स होती हैं और जी बस। डिविडेंड के हिसाब से भी दो टाइप्स होती हैं, कमुलेटिव नॉन कम्युलेटिव। नॉन कमुलेटिव और लिक्विडेशन के हिसाब से भी दो टाइप्स होती हैं, ये पता है आपको? पार्टिसिपेटिव नॉन पार्टिसिपेटिव। यहां तक किसी को कोई मसला जी? चले आगे नो सर, यस सर, मिस सवेरा, चले आगे। जी सर। अच्छा मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो अर्न करती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख रुपए, ठीक है, और उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स थे एट स्टार्ट ऑफ ईयर वो थे 1 लाख, सॉरी 10 हजार, ठीक है, और जून में उसने नए शेयर इशू किए, सपोज करें 5 हजार शेयर, ठीक है, 1 जून को, और 1 सितंबर को उसने फिर फॉर एग्जांपल 5 हजार शेयर इशू किए, टोटल कितने हो गए? 20 हजार। अब ईपीएस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? 6 लाख रुपए 20 हजार ऐसे करेंगे? जी अर्निंग पर शेयर निकालने को तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला ना इनकोरेक्ट है, जी सर, इससे आंसर क्या आ रहा है? क्यों सर? 30%। उसकी रीजन ये है कि क्या
ये जो अर्निंग होती है ना, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, वो बेस कर रहा होता है इसके ऊपर, इन नंबर ऑफ शेयर्स पे। अब नंबर ऑफ शेयर्स जब इश्यू होते हैं तो उसके अगेंस्ट पैसा आता है, जी क्या आता है? पैसा आता है। और जब पैसा बिजनेस में आता है तो प्रॉफिट क्या होता है, क्या होता है जी? बढ़ता है, डिवाइड बढ़ता है, डिवाइड भी होता है, बढ़ता भी है, डिवाइड भी होता है, बढ़ता भी है। सिंपल, पैसा आया, प्रॉफिट बढ़ा, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हुए, तो अर्निंग क्या हो गई? डिवाइड हो गई। इधर तक किसी को कोई मसला? इसका मतलब है कि ये जो 20,000 में से ये जो आपने इसकी सब कैटेगरीज की है ना, इसकी इसकी तीन कैटेगरीज बनाएंगे ना आपने, इसके अंदर तीन किस्म के शेयर है। 10,000 है जो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे हैं, 5,000 है जो 7 महीने आउटस्टैंडिंग रहे, और 5,000 है जो 4 महीने क्या रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रहे। तो क्या इन तीनों की, तीनों को 30-30 रुपए देने चाहिए इस 6 लाख में से? नो सर, नो, बिकॉज इसको 7 महीने के हिसाब से मिलना चाहिए। इसका इसका पैसा 7 महीने रहा है ना, उसको 7 महीने के हिसाब से मिलना चाहिए इतना प्रॉफिट में से हिस्सा। इसको कितने हिसाब से मिलना चाहिए? 4 महीने के हिसाब से। और इसको? जी सर, 12 मंथ के हिसाब से। इधर तक किसी को मसला? नो सर। नो मिस्टर वेरे, बात समझ आ रही है? यस सर। इसका मतलब है कि जब इस तरह के सिनेरियो हो जाए ना, कि जब एक से जब जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो साल के दरमियान में इशू हो, तो उस वक्त आप डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं निकाल सकते कि टोटल नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये फार्मूला फिर इनवैलिड हो जाता है। यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना होता है। किसका कॉन्सेप्ट जी? वेटेड एवरेज का। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो शेयर जितना अरसा आउटस्टैंडिंग रहा है ना, जो शेयर जितना अरसा इशू में रहा है पूरे साल के अंदर आउटस्टैंडिंग रहा है, उसको उसके हिसाब से क्या करो, प्रोरेट कर दो, टाइम पोर्शन कर दो। कैसे करते हैं ये? ऐसे होगा, 10,000 शेयर रहे पूरे साल, 12 बाय 12 करने से टाइम पोर्शन, 5,000 शेयर रहे सात महीने रहे 7 बाय 12, और 5,000 शेयर रहे 4 बाय 12। निकालें जी कितना आ रहा है, कैलकुलेटर है सिर्फ? नो सर, मैं साहब के पास है एक, मैं मोबाइल निकालता हूँ। इससे समझ आ रहा है, कोई इशू तो नहीं हो रहा? 2916 ये वाला सर, 1666। अब टोटल करें ने। सर 14,582 जी। अब आप ईपीएस कैलकुलेट करें। अब बनाए जी कितना आंसर आ रहा है सर? ऐसे तो वो एवरेज रेट आ जाता है, नहीं बस एवरेज रेट नहीं, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। 41 वही देख रहे हैं, वही देख रहे हैं, मैं वहां पहुंचते हैं वो जो, ठीक है सर आप निकाले, मैं बताता हूँ, आप वहां बिल्कुल सही पहुंचेंगे। 41 आ रहा है। नो दिस इज द अर्निंग पर शेयर, ट्रू अर्निंग पर शेयर। अच्छा आप ये निकाली क्यों है? निकाली पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ। अच्छा अब अगर आप वो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट देखें, कि पैसा होल्ड कराया उसको ज्यादा, जी जी जी, अब यहाँ पे देखें आप ऊपर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। 10,000 शेयर पहले थे जिस तरह हमने इसमें किया, 30 जब आंसर निकाला था, इस केस में इसका हिस्सा कितना बन रहा था? इंटू थर्टी। इसको 10,000 को कितना मिल रहा था? 3 लाख।
इनको कितना मिल रहा था? 1.5 लाख और 1.5 लाख, यही हो रहा था मिस। इनको टोटल अर्निंग में से ऐसे ऐसे पैसे मिल रहे थे। जी सर। और दूसरा केस देखिए जो हमने नीचे निकाला है, 10,000 पहले के केस में, 2,9 समथिंग दूसरे के केस में था, 2,916 और 1,666। अब आंसर निकाल ले, ये कितना निकलेगा? 4,10,000। इन दोनों का निकालें जी। सर 1,19,000 856। और ये नीचे वाला सर 68,306। जी, फर्क नजर आ गया आपको सीधा सीधा? अच्छा सर, कितना फर्क आ गया? तो ये ईपीएस का ना वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप टाइम पोर्शन करते हो। क्या करते हो? टाइम अपोर्शन। टाइम अपोर्शन मतलब आपको समझ आ गया? कोई यहां तक मसला किसी को? ये इनकी ट्रू नेचर, ट्रू ट्रूली इनकी इतनी अर्निंग बन रही थी, और आप इनको अगर सिंपल तरीके से करते तो इतने एलोकेट कर देते, उससे ना इनका हक मारा जाता। 10,000 ऑलरेडी है ना, इनका हक मारा जाता। जी मिस्टर वेरा, कोई मसला आया था? टाइम अपोर्शन ठीक है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले ही, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं, बट वो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, वो फाइनेंशियल है, प्योर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, उसको आप यहाँ पे ना लाएं, आप इसको जस्ट टाइम अपोर्शनमेंट तक रखें। राइट सर। जी मिस, चले आगे। श्योर सर। अच्छा जी, ये था जी टाइम अपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मसला ना यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के मसला आता है। ये तो था ना आपके पास फुल मार्केट इशू, यानी आपने क्या किया, आपने पैसे लिए और शेयर इशू कर दिए, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप शेयर तो इशू कर देते हो लेकिन उसके अगेंस्ट पैसे नहीं लेते, शेयर इशू कर देते हैं लेकिन पैसे नहीं लेते। कोई एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे इशू की? बोनस शेयर। जी सर, बोनस बोनस शेयर। बेहतरीन बेहतरीन, बोनस शेयर। और शेयर स्प्लिट, राइट, शेयर स्प्लिट भी इसका एक एग्जांपल है। इस तरह एक और सिनेरियो होता है, उसको बोलते हैं शेयर कंसोलिडेशन। वो क्या होता है जी? मिसाल के तौर पे आपके पास एक शेयर है, बोनस शेयर का तो पता है ना कि आपके पास एक शेयर है, तो आपको कंपनी कहती है बिल फर्ज के हम तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल 10 शेयर है तो हम तुम्हें एक शेयर दे देते हैं, 11 शेयर टोटल हो जाएंगे। ये बोनस इश्यू होता है, इसको भी हम देखेंगे तसल्ली से। शेयर स्प्लिट क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी शेयर है, एक शेयर इसको तोड़ के दो के अंदर तकसीम कर दिए, दो छोटे छोटे, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का एक शेयर है तो 5-5 के 2 आपको दे दें, ये सिनेरियो हो सकता है। और शेयर कंसोलिडेशन ये था कि 5-5। जी मिस, सर इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? डिविडेंड को उसको उतना ही मिलेगा फिर? हाँ, पर शेयर के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको इसकी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बताता हूँ। एप्पल का जो शेयर था ना, अब ये देखे ना, आपकी इस क्लास में बरकत नजर आ रही है, ये तो पूछते ही नहीं है ऐसे सवाल, इसलिए इनको जवाब नहीं देता। एप्पल का जो शेयर है ना, ये प्रैक्टिकली ऐसा हुआ था कि ये शेयर ना ट्रिलियंस में चला गया था। क्या चला गया था जी? ट्रिलियंस में। और जब ये लोग बेच रहे थे ना इसके शेयर होल्डर्स, बिलियंस में, बिलियंस में, बिलियंस ऑफ डॉलर, यानी वो पाकिस्तानी रुपए में ट्रिलियंस में चले गए थे, बिलियन ट्रिलियंस में। जब इसके शेयर होल्डर बेचते थे ना इस शेयर को, तो कोई बंदा खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था, लोगों के पास इतना पैसे ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शेयर स्प्लिट करके छोटे छोटे शेयर बना दिए। उससे क्या होता है, ट्रेडिंग जो होती है ना वो आसान हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक शेयर है 100 रुपए का, वो मार्केट में बिकते ही नहीं है, राइट, तो उसको आप तोड़ के 10-10 के 10 शेयर बना दो, तो ये 10 रुपए का शेयर इजीली बिक जाता है, इजीली ट्रेड ट्रेड हो जाता है, इसलिए शेयर स्प्लिट करते हैं, ठीक है मिस? जी सर। आगे समझ। अच्छा जी सर, लेकिन सर इस तरह से जैसे उसके 100 शेयर्स, 100 का 1 शेयर था, उसने 10-10 के कर दिए, उसके पास 10 शेयर्स हो गए, बिल्कुल, तो उसको फिर 10 शेयर्स के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा। एग्जैक्टली exactly, शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड, वो भी ईपीएस में, ईपीएस पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो है ये कि
शेयर्स के हिसाब से उसके ऊपर डिविडेंड और अर्निंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ये पूरा कॉन्सेप्ट में ही हम देख रहे होंगे कि कैसे कैसे चल रहा होता है मामला। ठीक है, ये पूरा स्टैंडर्ड इसी चीज के ऊपर है, ये इसकी बेसिकली लॉजिक भी है स्टैंडर्ड को बनाने की। अच्छा जी, ये तो थे आपके पास आसान आसान से कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट को ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ना डिटेल से देखेंगे, उनके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करेंगे। इसके अलावा दो तीन और छोटे छोटे बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं बेसिक ईपीएस के, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वर्सेस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कौन से होते हैं जो कि ना पूरे साल आपके क्या चल रहे होते हैं, पूरे साल जो है ना वो चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इसके मैं पहले होगा एग्जांपल, तो मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, सपोज करें ये पूरी बिल्डिंग इस कंपनी की है, इसने ना ये रेंट कमाती है, इसने ना रेंट आउट की, सपोज करें हर बिल्डिंग से ना इसको 10,000 रुपया पर मंथ किराया आता है। ठीक है, 12 12 पोर्शन है, 12 महीने किराया आएगा। पहले महीने इसको कितना आएगा, 1,20,000। सपोज करें 6 महीने बाद ना, या 7 महीने बाद, थोड़ा आसान कर लेते हैं, 7 महीने बाद ना, 7 महीने इसने किराया लिया, पूरी बिल्डिंग से किराया लिया होगा, 7,20,000। 7 महीने बाद इसने ऐसा किया, इसने से ना इसके अंदर से 50% बेच दिए। इसने क्या किया, इसने जो ये 12 पोर्शन थे ना, इसमें से 6 का क्या कर दिए, सेल आउट कर दिए। अब इसके पास कितने रह गए होंगे, 6 रह गए होंगे रिमेनिंग। तो बाकी के 5 महीने क्या होगा, ये 6 से किराया लेगा जी। जी सर, 10,000 × 6 और 6 × 6 × 5, 50,000 × 6, कितना मतलब 3 लाख। अच्छा, इस ये जो 7,20,000 है, इसके अंदर से 50% कंटिन्यूइंग, यानी 50% है 6 का और 50% बाकी का है, मतलब 3,60,000। 3,60,000 वो है इस 7,20,000 में से जो आपके पास साल के आखिर तक रहे हैं, और 3,60,000 वो है जो आपने सेल आउट कर दिए। यहां तक किसी समझ आई आप लोगों को, एग्जाम्पल समझ आई ये नहीं आई। अभी जो आपने सेल आउट कर दिए होते हैं ना, ये वाले ये होते हैं, ये होते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इनसे जो अर्निंग आई होती है ना, इन ऑपरेशंस को बोलते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अब इसकी आसान और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और ये जो आपके पास रह रहे होते हैं, ये होते हैं कंटिन्यूड ऑपरेशंस। आसान और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे एक कंपनी है, वो अपनी कोई सब्सिडरी बेच देती है, क्या बेच देती है, सब्सिडरी बेच देती है। तो जो सब्सिडरी बेच देती है ना, जब तक सब्सिडरी इसके पास थी, तो जो उसके पास उससे अर्निंग आई थी ना, उसको बोलते हैं प्रॉफिट या अर्निंग फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ये बात समझ आई है या नहीं आई, जहां तक मुझे तसल्ली शोरिस नहीं। अब यहां से अगर मैं आपको कहूं कि कंटिन्यूस कंटिन्यूड कर डिसकंटिन्यूड कर हमें अलग अलग निकाल दो प्रॉफिट, तो कैसे निकालोगे आप, निकालोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूड इज इक्वल टू 3,60,000, ये जमा 3 लाख को 6,60,000, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड वो किस तरह निकालोगे, ये 3,60,000। ये कॉन्सेप्ट समझ आया मैं सबको जी सर। अच्छा जी, अब जो IAS 33 है ना, जो आपका ईपीएस का स्टैंडर्ड है, ये कहता है कि आप ना जो ईपीएस है ना, वो कंटिन्यूड के लिए अलग निकालें और डिसकंटिन्यूड के लिए अलग निकालें। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जो हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर थे ना पूरे साल में, वो फॉर एग्जाम्पल 10,000 थे सपोज करें, तो अगर हम ईपीएस फॉर कंटिन्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, EPS is equal to 6,60,000 divided by 10,000, और ये हो जाएगी कंटिन्यूड से, और डिसकंटिन्यूड से कितनी हो जाएगी,
66 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी 36%। ये समझ आया आप लोगों को डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूड से कैसे निकालते हैं? जी तो ये बात समझ आएगी, बॉस रिपीट कर देते हैं। जो आपके कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट आ रहे होते हैं ना, उसको भी आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होता है, और जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आ रहे थे ना, उसको भी इससे डिवाइड करना होता है, ताकि दोनों की क्या आ जाए, अलग अलग ईपीएस आ जाए। यहां तक किसी को मसला सर? लेकिन वो तो अब कंटिन्यूड नहीं रहे ना, तो हाँ बेहतरीन, अब वो कंटिन्यूड रहे हैं फिर ईपीएस क्यों निकाल रहे हैं? ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। आप जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप जब भी बना रहे होते हैं ना फाइनेंशियल्स, तो आप प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू इसकी अलग वर्किंग बनाते हैं और इसकी अलग वर्किंग और डिस्क्लोजर बनाते हैं। बात समझ आई? इसीलिए इनका ईपीएस भी क्या होता है, अलग बनता है। राइट। अच्छा जी, हाँ तक होगी थी हमारी बात। अच्छा उसके अलावा एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा जो मैंने आपको ईपीएस का फॉर्मूला बताया ना, वो मैंने कहा था ना इनकम्प्लीट है, उसके अंदर ना कुछ चीजें भी मैंने छोड़ दी थी। वो क्या होती हैं, जो अर्निंग पर शेयर होती है ना ईपीएस, ये इसका फॉर्मूला जो असल में होता है वो ये होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। ये असल में फॉर्मूला होता है। इसका असल फॉर्मूला क्या होता है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। ये क्या होता है, ये मैं आपको ना एक मिनट में बात समझाता हूँ। पहले आप ईपीएस की ना दो टाइप्स होती हैं, जो मैंने अभी आपको नहीं बताई वो कौन कौन सी होती है, क्योंकि बेसिक ईपीएस एक होती है डाइल्यूटिव ईपीएस। ये जो हम अभी ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये वाला, ये बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है जी? बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है जी मिस, पता है आपको? जी सर, ये जो शेयर्स होते हैं ये जस्ट हमारे डिविडेंड पे हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन लॉस जो होता है वो इनको नहीं, इसमें इनका कोई कंपनसेशन नहीं होता, जस्ट प्रॉफिट में हमारे शेयर होल्डर होते हैं। और कौन से होते हैं, रिडीमेबल या रिडीमेबल? रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल तो सर वो तो लोन में आ जाता है। नहीं मैं, आपने उल्टा बोल दिया, वो तो उनको अच्छा सर इरिडीमेबल। जी सर इरिडीमेबल, ये जो शेयर होते हैं ना इरिडीमेबल, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली आपको वो शेयर होल्डर पैसा दे देते हैं, कहते पक्का पक्का तुम रख लो, लेकिन क्या है जी, तो हमें हर चीज में क्या दोगे, प्रेफरेंस दोगे। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल होते हैं ना, ये होते हैं क्लासिफाइड एज इक्विटी, क्लासिफाइड एज इक्विटी। एक आपका एक स्टैंडर्ड है IAS 32, राइट, वो इसको डील कर रहा है। और ये जो होते हैं ना प्रेफरेंस डिविडेंड रिडीमेबल, ये एज अ लोन होते हैं, ये क्लासिफाइड एज अ लोन होते हैं। ये आपका एक स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग का IFRS 9, ये इसको डील कर रहा हूँ, ठीक है जी। जो प्रेफरेंस डिविडेंड की हम बात, अच्छा जो ये जो इसका रिटर्न होता है मिस, वो क्या होता है, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिटर्न होता है, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या शो करवाते हैं? सर ये लोन की तरह, वो जो लोन की पेमेंट हम कर exactly, रहे हैं, इंटरेस्ट शो करवाते हैं, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेस करते हैं इसको। exactly, इसको ना इंटरेस्ट शो करवाते हैं, इसको हम क्या शो करवाते हैं, इसके रिटर्न को डिविडेंड शो करवाते हैं, ठीक है। तो वो जो नीचे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर रहे होते हैं ना, वो बेसिकली ये वाला डिविडेंड, तो ये प्रेफरेंस। अच्छा ये तो थी ना आसान सी बात, अब जो मुश्किल बात है वो ये है, थोड़ी सी जो समझने वाली है, वो ये कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव का कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में क्या फर्क होता है पता है आपको? सर कम्युलेटिव वो होते हैं कि अगर इस साल आपको लॉस हो रहा है और आपकी रिटेन, मतलब आपने जो शेयर होल्डर्स उनको प्रॉफिट, उनको डिविडेंड्स नहीं दे रहे,
तो उनका जो ये डिविडेंड होते हैं वो कम्युलेट हो जाते हैं, और वो अगले साल जाके वो उनको कहते हो कि अगले साल अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो आपको ये डिविडेंड अगले साल दिया जाएगा। तो जो नॉन कम्युलेटिव होते हैं तो उनको अगले साल हुआ तो वो डिविडेंड दिया जाएगा, अगर उस साल आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो उनको कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता एग्जैक्टली नेक्स्ट बिल्कुल, ईयर इनकी में। बात समझ आई आप लोगों को? नो सर, ना करें इतने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। कम्युलेटिव ये होता है कि मिसाल के तौर पे मतलब बिलफर्ज इस साल आपको आपने डिविडेंड जो नया ना अनाउंस नहीं किया, प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, आपको लॉस हो गया किसी वजह से, अर्निंग में पैसे नहीं है, कुछ और वजूहत है, और आपने डिविडेंड जो है ना वो अनाउंस नहीं किया, डिविडेंड नॉट अनाउंस्ड, ठीक है, ले और अगले साल ना आपको फिर प्रॉफिट हो गया, राइट, इस साल आपने डिविडेंड अनाउंस कर दी, इस साल ना अभी जो जिस साल आपको प्रॉफिट हुए इस साल आप इनको ना पिछले साल का डिविडेंड भी देते हो, क्या देते हो जी, पिछले साल का भी डिविडेंड देते हो, अच्छा क्योंकि इनका डिविडेंड क्या होता है, कमुलेट, कमुलेट का मतलब होता है जमा होना, वो जमा हो जाता है, वो आपको देना ही देना होता है, आप पे वाजिब होता है। और नॉन कम्युलेटिव का ये सीन नहीं होता, ये होता है कि जिस साल अनाउंस किया उस साल दे दिया, जिस साल नहीं अनाउंस किया नहीं दिया, ये इन दोनों में बुनियादी फर्क होता है। चले जी आगे, समझ आ गए? अच्छा राइट सर, अब क्लियर आप ये इसकी प्रैक्टिकल जी सर। इम्प्लीकेशन क्या होती है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी यहां पर आती है ईपीएस की इक्वेशन में। ईपीएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा अब अगर बिलफर्ज कमुलेटिव था, क्या था, कमुलेटिव डिविडेंड था, प्रेफरेंस डिविडेंड, और अनाउंस नहीं किया, और आपने अनाउंस नहीं किया, तो फिर भी ना यहां से माइनस होता है, फिर भी यहां से क्या होता है, माइनस जी, ये बात समझ आई है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल से करते हैं, मिसाल के तौर पे 6 लाख प्रॉफिट आया है एग्जाम्पल और कमुलेटिव जो फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे वो थे 10,000, नहीं 1 लाख, 1 लाख शेयर थे और 10% जो है ना 10% पे थे, यानी इनका जो रिटर्न है ना वो 10% था, और ये कमुलेटिव थे, ठीक है, और जो ऑर्डिनरी शेयर थे वो सपोज करें वो भी 1 लाख थे। अब ईपीएस कैसे निकालेंगे, और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, अब ईपीएस कैसे निकालेंगे, ईपीएस ऐसे निकालेंगे, डिविडेंड अभी डिक्लेयर सर, नहीं किया, छह लाख लेकिन में से ये 1 लाख माइनस कर देंगे और ये जो ऑर्डिनरी शेयर वाली नॉम उस पर नॉम डिवाइड कर इज नॉट देंगे। एग्जैक्टली 1 लाख, 1 लाख का 10% रिटर्न कितना है इनका, सर 10,000, दैट्स प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, इनका डिविडेंड माइनस कर दें, बात समझ आई, ऐसी बात समझ आई है, जी सर, ठीक है, और इसको आप 1 लाख से डिवाइड कर देंगे, ये 5.9, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, उस टाइम क्या होना था, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया होता तब क्या ईपीएस आती, सेम ईपीएस आती। दूसरा केस क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ईपीएस बराबर है 6 लाख माइनस 10,000 के डिवाइड बाय, सेम आंसर, डिक्लेयर किया हो ना किया हो ईपीएस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये बात समझ आई है। और नॉन कमुलेटिव के केस में क्या होगा, सपोज करें ये सिनेरियो सेम है लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना ये नॉन कमुलेटिव है, उस केस में क्या होगा, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नॉट डिक्लेयर्ड, उस केस में मिस क्या करेंगे, ईपीएस बराबर हो जाएगी 6 लाख, अब 10,000 माइनस करेंगे यहां से, तो ये तो नॉन कम्युलेटिव, इसमें नॉन तो कमुलेटिव है नहीं माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 1 लाख, यहां पे 6 आ जाएगी, और अगर डिक्लेयर करते तो माइनस कर दो। चलिए ये तो बेहतरीन है, अच्छे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए आपको। अच्छा अब यहाँ पे एक बड़ा बुनियादी सवाल उठता है, बुनियादी सवाल क्या होता है कि व्हाई वी हैव सब्ट्रैक्टेड प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम हियर,
व्हाई नॉट ऑल्ट, क्योंकि आपके पास पता है ना आपको। जी मिस पूछें पूछें सर, नॉन कुमुलेटिव में जब हम डिक्लेयर करेंगे तो तब माइनस होंगे। एग्जैक्टली जब डिक्लेयर करेंगे तो माइनस होगा ना, उस वो ये सिनेरियो हो जाएगा। अरे जब डिक्लेयर नहीं करते जस्ट तब नहीं, ठीक है। हाँ तब नहीं करते, उस टाइम पर ये सिनेरियो होगा। ओके सर। अच्छा मुझे ये इस क्वेश्चन का आपको समझ आता है कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता ना आपके पास स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इधर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, इसमें से लेस होते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड पहले, फिर लेस होता है ऑर्डिनरी डिविडेंड, और यहाँ आपके पास जो रेजिड्यूल आता है इसको उठा के आप रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं। यही होता है ना स्ट्रक्चर। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई यू आर सब्ट्रैक्टिंग, आप यहाँ तक कैलकुलेशन क्यों ले रहे हो, ये इसमें से ये क्यों नहीं कर रहे, ईपीएस बराबर ऐसे क्यों नहीं कर रहे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस ऑर्डिनरी डिविडेंड बार बार, व्हाई दिस इज नॉट, ये क्यों नहीं कर रहे? सर वो प्रेफरेंस शेयर है, पहले जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं हम उनको डिविडेंड देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बचती है उसमें से हम ऑर्डिनरी शेयर्स को देते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स को देते हैं ना, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये ऑर्डिनरी डिविडेंड यहाँ से क्यों नहीं माइनस कर रहे, लॉजिक कुछ समझ आ रही है आपको? नो सर नहीं आ रही। चलिए इस पर गौर कीजिएगा, क्लास का टाइम खत्म होने वाला, कोई सवाल है तो पूछ लें, नेक्स्ट क्लास में से आगे चल क्वेश्चन तो पूछ लें, नो सर इस पर गौर कीजिएगा ये ऐसे क्यों नहीं करते। ठीक है जी, दिस इज फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।